हाय एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आपको एग्जाम स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में। यहां आपको मिलती है रेलवे, एसएससी, बीएनएमयू, पीयू से रिलेटेड सारी जानकारियां। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दे कि बीएनएमयू पार्ट टू तथा पार्ट थर्ड के सत्र 2017-18 का नामांकन आरंभ हो चुका है, जिसकी अंतिम तिथि 14 जनवरी 2019 को निर्धारित की गई है। आप अपने संबंधित महाविद्यालय जाकर जल्द से जल्द एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर लें। इस वीडियो में हम आपको स्टेप टू स्टेप फॉर्म फिलअप के बारे में बताएंगे। वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बहुत से विद्यार्थियों को यह परेशानी होती है कि फॉर्म फिल कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल कैसे करें। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आगे हम बढ़ते हैं। पहले आवेदक का नाम आपको हिंदी में लिखना है, उसके बाद इंग्लिश में भी आपको लिखना पड़ेगा। वैसे ही पिता का नाम आपको लिखना है हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में, माता का नाम भी लिखना है। आपको यहाँ पर स्थायी पता देना है और पोस्ट ऑफिस देना है, थाना देना है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं वो देना है। आपको फ़ोन नंबर यदि है तो ठीक है, नहीं तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ 5 नंबर में आप देखिएगा स्थानीय पता सेम आपको देना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यहाँ नामांकन हेतु वर्ग का नाम, किस वर्ग में आप नामांकन कराना चाहते हैं, आपका सत्र कौन सा है वो आपको देना है। 7 नंबर पे आप देखते हैं यहाँ अनिवार्य विषय आपका कौन कौन सा है, जो आप लेना चाहते हैं वो विषय देना है। और अगर ऐच्छिक विषय आप लेना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ पर नामांकित करना है। अब यहाँ पर आपको 8 नंबर में हम देखेंगे उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण, मतलब पिछले आपके 2 या 3 उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण आपको देना है। परीक्षा का नाम, स्कूल या कॉलेज, किस कॉलेज से हैं, किस स्कूल से हैं, बोर्ड देना है, रोल कोड देना है, रोल नंबर देना है, प्राप्तांक देना है, श्रेणी, प्रतिशत तथा विषय, कौन कौन से विषय आपने लिया था। 9 नंबर में आपको जन्मतिथि भरना है आपको, और 10 नंबर में विवाहित हैं आप या अविवाहित, उस पर टिक करना है। यदि आप विवाहित हैं तो विवाहित पर टिक करना है। राष्ट्रीयता, यहाँ पर राष्ट्रीयता आपको इंडियन देना है। और 12 नंबर में धर्म, 13 में जाति, और यहाँ कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, SC ST हैं, OBC हैं, जनरल है या PH हैं। अगर आपके पास BPL कार्ड है, 15 नंबर में आप देख रहे हैं यहाँ BPL कार्ड अगर धारक हैं आप तो हाँ में टिक कीजिएगा। 16 नंबर, यदि आपके पास कोई विशेष योग्यता की मतलब है, विशेष योग्यता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं, जैसे NCC हुआ, NSS हुआ, या कला पदक अन्य में आपको अगर कोई प्रमाण पत्र प्राप्त है तो उसको संलग्न कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लास्ट में देखेंगे घोषणा पत्र। आपको यहाँ अपना डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जहाँ पे आपको अपना अपना सिग्नेचर देना पड़ेगा तिथि के सहित, और माता पिता अभिभावक का भी हस्ताक्षर देना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों नामांकन प्रभारी प्रधानाचार्य का आदेश, तो ये आपको कुछ नहीं करना है, ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। अंत में आप देख रहे हैं यहाँ प्राप्ति रसीद जो लिखा हुआ है, ये आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको यह रसीद के रूप में दिया जाएगा, जहाँ आपका प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर भी करना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि सबसे ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाए लिखा हुआ है, जहाँ पर आपको अभी मतलब नवीनतम आपको फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना आवश्यक है। तो दोस्तों बहुत से लोगों का सवाल होगा कि फॉर्म भरने के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट को संलग्न करें। तो यहाँ हम बता दें हमारे पास अररिया कॉलेज अररिया का ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें आप डेट देख सकते हैं 4/1/2019 को नोटिस दिया गया है, जिसमें आपको सारी जानकारी दी गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को दिया जाए। तो पहले हम बात करेंगे पार्ट टू के लिए। पार्ट टू वाले प्रथम खंड का प्रवेश पत्र, अंक पत्र तथा पंजीयन रसीद को अटेस्ट करेंगे, तथा तृतीय खंड वाले को हम बता दें कि वे अपने प्रथम खंड तथा द्वितीय खंड का प्रवेश पत्र, अंक पत्र तथा अपने पंजीयन रसीद को संलग्न करना ना भूलें। बेनेमी और पीओ के स्टूडेंट के सहायता के लिए हमने एक फेसबुक ग्रुप भी बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।